बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हज़रीन-ए-किराम, आज की इस वीडियो में हम खून की कमी को तेज़ी से पूरा करने के लिए एक बहुत ही आसान और 100% असर करने वाला टोटका लेकर आए हैं। मेरे ऐसे बहन भाई जो अनीमिया जैसी बीमारी में मुबतला हो चुके हैं, इसके इस्तेमाल से सिर्फ चंद दिन में उनकी खून की कमी पूरी हो जाएगी और अगर इसको 30 दिन मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे पर लालियाँ खिलने लगेंगी और चेहरा वाइट गुलाबी नज़र आएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को ये पता नहीं चलता कि उनको खून की कमी हो चुकी है। यहाँ पर हम आपको ऐसी चंद अलामत बताएंगे कि इनकी मदद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप खून की कमी यानी अनीमिया का शिकार हो चुके हैं। जिस्म का सुन हो जाना, चेहरे का रंग फक होना, रात को टांगों में बेचैनी हो जाना, ठीक से नींद ना आना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना और जिस्म में खून की ज़्यादा कमी की सूरत में बुखार हो जाना। नाज़रीन-ए-किराम, अगर आप इन अलामात का शिकार हैं तो 100% आप खून की कमी यानी अनीमिया जैसी बीमारी में मुबतला हो चुके हैं। तो आएं हम आपको खून की कमी को पूरा करने का बेहतरीन और कीमती नुस्खा बताते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबाएँ ताकि हेल्थ से रिलेटेड हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन-ए-किराम, खून की कमी को पूरा करने के लिए जो अज्जा आपको चाहिए होंगे वो दर्ज ज़ैल हैं। पानी आधा किलो, मिश्री 1 किलो, इमली 30 ग्राम, आलूबुखारा 30 ग्राम, पथरी फौलाद 6 ग्राम, जामुन का सिरका 30 मिलीलीटर। नाज़रीन-ए-किराम, ये तमाम चीज़ें आपको किसी भी पंसारी स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। अब इसको बनाने का तरीका सुन लें। इमली और आलूबुखारा को अलहदा अलहदा रात भर के लिए पानी में भगो कर रख दें। आधा किलो पानी को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दें। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें मिश्री डाल दें। जब मिश्री पानी में हल हो जाए तो इस वक्त भगोई हुई इमली और आलूबुखारे को शामिल कर लें और याद रहे शामिल करने से पहले गुठलियाँ निकाल लें। अब इन तमाम अज्जा को हल्की आंच पर पकाएं और चम्मच हिलाते रहें। जब पानी थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें 6 ग्राम पथरी फौलाद शामिल करें। 2 से 3 उबाल मजीद आने पर इसको चूल्हे से उतार लें। ये गाढ़े सिरप की शक्ल में आ जाएगा। जब ये सिरप ठंडा हो जाए तो इसमें 30 मिलीलीटर जामुन का सिरका शामिल करके मिक्स कर लें और इसको किसी शीशे के जार में महफूज कर लें। नाज़रीन-ए-किराम, याद रहे ये रूम टेम्परेचर पर 1 साल तक खराब नहीं होता। नाज़रीन-ए-किराम, इसको इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें। इस सिरप की 1 चम्मच आधे गिलास पानी में डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करें, जबकि बच्चों को आधी चम्मच इस्तेमाल करवाएं। 30 दिन लगातार इस्तेमाल करें और फिर अपना टेस्ट करवाएं। आपका हेमोग्लोबिन 2 पॉइंट बढ़ चुका होगा, लेकिन अगर इसको 30 दिन मुसलसल इस्तेमाल करें तो खून की ज्यादती की वजह से आपका चेहरा खून से लालो लाल हो जाएगा। खून की कमी को पूरा करने के लिए इस नुस्खे से बेहतरीन और कोई दवा या नुस्खा नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। बंदा नचीज को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।